संस्कृत हमने ये चैप्टर जो है अध्याय नंबर 2 हमने पहले पढ़ा था। पालित पशु यानी कि पालतू पशु है, ठीक है। इसमें हमने ये चैप्टर रीड किया था और शब्दों के अर्थ भी जो है उस दिन मैंने बताए थे। उसके बाद में पेज नंबर 7 पर आपके बोध परीक्षणम है। बोध परीक्षणम में आपके पहले है प्रश्न, फिर है रिक्त स्थान और फिर है उदाहरणम अनुसृतीय वाक्यानि पुनर्लिखत, ठीक है। ये आपको तीनों ही कॉपी में करना है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। पहले मैं एतेषां प्रश्नानां उत्तरं संस्कृते लिखत, ठीक है। पहला प्रश्न है, इनके प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में लिखने हैं। पहला प्रश्न है आपके दुग्धं का इच्छति, यहाँ पर पूछा है कि भाई दुग्ध जो है कौन देता है, यहाँ पे का पूछा है, क्या है का। जैसे कि मैंने बताया था जहाँ पे ऐसा आता है वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे का पूछा जाता है तो यानी कि क्वेश्चन में जो है स्त्रीलिंग के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कौन देता है, तो आपको उत्तर लिखना है धेनु दुग्धं यच्छति, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं का की जगह भी उत्तर लिखते हैं, आप उत्तर लिख सकते हैं दुग्धं धेनु यच्छति, ठीक है। धेनु का की जगह आपको क्या लिखना है, धेनु, बाकी प्रश्न वाला लिखना। फिर है सेकंड प्रश्न है आपके धेनु दुग्धं कथं भवति, धेनु का दूध कैसा होता है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका उत्तर जो है फिफ्थ लाइन पर है, धेनु दुग्धं मधुरं पौष्टिकं च भवति, गाय का दूध जो है मीठा और पौष्टिक होता है, शक्तिवर्धक होता है, ठीक है। कैसे लिखना है आपको, ये लाइन भी लिख सकते हैं धेनु दुग्धं मधुरं पौष्टिकं च भवति, फिफ्थ वाली लाइन, ठीक है। फिर है थर्ड प्रश्न है आपके क्षेत्रम सस्यम च का रक्षति, यहाँ पे पूछा है कौन, ठीक है। जहाँ पे का आता है तो समझ लेना पुल्लिंग, जहाँ पे का होता है वहाँ पे पुल्लिंग के बारे में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे बताया था सेकंड पंक्तियों में फाइव वाली लाइन जो है कुकुर कृष्ण कृषक काना क्षेत्रम सस्यम च रक्षति, तो आपको उत्तर लिखना है का की जगह लिखना है कुकुर, क्या लिखना है कुकुर, बाकी आपको वैसा की वैसा उत्तर लिखना, ठीक है। उसके बाद में आपके प्रश्न नंबर 4 अश्व किम खादति, यानी कि पूछा है घोड़ा क्या खाता है, तो आपको किम किम की जगह क्या लिखना है तृण, ठीक है। यहाँ पे आपके दिया हुआ है थर्ड वाली पंक्तियों में सेकेंड लाइन में दिया हुआ है अश्व तृण खादति, घोड़ा घास खाता है, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 धेनु किम न खादति, गाय क्या नहीं खाती है, तो आपको उत्तर देना है यहीं पे दिया हुआ है थर्ड लाइन में धेनु मांसम न खादति, धेनु जो है मांस नहीं खाती है, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 रथम कह प्रशति, ठीक है। यहाँ पे आपके दिया हुआ है जो रथ जो है फिर इसमें पूछा है कह कह पूछा है कि कौन, और पुल्लिंग के बारे में पूछा है, तो आपको उत्तर देना अश्व, कह की जगह क्या लिखना है अश्व, रथम अश्व क्रशति, रथ जो है अश्व खींचता है, ठीक है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर ख प्रश्न नंबर ख है ख में उचित पदे रिक्त स्थान रिक्त स्थान पूर्यत, यानी कि जो खाली स्थान है उसको आपको पूरा करना है, यहाँ पे सामने पद दिए हुए उनमें से देखकर, ठीक है। ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं दो उसमें से आपको देखना है, ठीक है। पहला जो है धेनु लिखा हुआ है, उसके बाद में रिक्त स्थान खादति, तो यहाँ पे क्या आएगा धेनु खाती है क्या दूध या तृण, आपको लिखना तृणम, सेकंड वाला ऑप्शन आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद में है सेकंड फिलअप है आपके कुकुर, फिर है रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर भवति यानी होता है, तो कुत्ता जो कुत्ता फिर रिक्त स्थान होता है, तो आपको कुकुर स्वामी भक्त भवति, ठीक है, आपको लिखना है स्वामी भक्त, पहला वाला ऑप्शन। उसके बाद में है थर्ड पे है अश्व, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है धावति, तो मंद
उसके बाद में फिफ्थ नंबर पर है, पहले रिक्त स्थान दिया हुआ, उसके बाद में ग्रह रक्षति यानी कि धेनु या कुक्कुर। क्या फिल करोगे आप? कुक्कुर यानी कि कुत्ता करके जो रक्षा करता है। उसके बाद में आपके नंबर ग पे है जो इसमें दिया हुआ उदाहरण अनुसर्तीय वाक्यानि पुनः लिखत यानी कि उदाहरण के अनुसार जो है आपको वाक्य जो यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं उसी के अनुसार नीचे जो फोर क्वेश्चन है उनको फिल कर लें। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ एच गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको करना है ऐसा, एच के पीछे लाइन नहीं दी गई है यहाँ पे, अथवा वाक्य पूरे कर ले। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप